सुरेश खन्ना योगी सरकार में वित्त मंत्री और लगातार 8 बार से विधायक, सूबे के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बाद जिनका शुमार तीसरे नंबर पर होता है। यूपी के शाहजहांपुर से विधायक सुरेश खन्ना के सियासी खत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो लगातार 32 साल से विधायक हैं, यानी अब तक उन्हें कोई चुनाव नहीं हरा सका। पंजाबी मूल के होने के बावजूद सुरेश खन्ना यूपी की रग रग से वाकिफ है और इसी वजह से वो यूपी की सियासत में अपनी अलग पहचान रखते हैं। साल 1989 में पहली बार चुनाव जीतने के बाद सुरेश खन्ना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनकी जीत का सिलसिला अब तक कायम है। अपने को फुल टाइम पॉलिटिशियन और जमीनी नेता मानने वाले सुरेश खन्ना ने पहला चुनाव लोकदल के टिकट पर लड़ा था, लेकिन सफल नहीं हुए। बाद में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और राम मंदिर आंदोलन लहर के दौरान 1989 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद 1991, 1993, 1996, 2002, 2007, 2012 और 2017 के चुनाव में शाहजहांपुर की जनता सुरेश खन्ना को ही चुनती रही। चाहे कल्याण सिंह की सरकार हो या फिर राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ की सरकार, वो बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे। जमीन से जुड़े नेता होने के साथ साथ सुरेश खन्ना अपनी ईमानदार छवि के लिए भी जाने जाते हैं। शाहजहांपुर जहां से वो चुनाव जीतते रहे हैं, वहां हर समुदाय के लोगों में उनकी अच्छी पैठ है। यहां तक कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी उन्हें वोट दिया करते हैं। सुरेश खन्ना अपनी बातचीत के अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो विरोधियों पर भी हमला करने का कोई मौका नहीं चूकते। ये सब फ्यूज ट्रांसफार्मर हैं। फ्यूज ट्रांसफार्मर से अगर कोई तार जोड़ेगा तो न तो उसको बल्ब जलेगा, न पंखा चलेगा, नलकूप जलेगा, तो न पानी मिलेगा और न हवा मिलेगी। तो ये फ्यूज ट्रांसफार्मर की क्या चर्चा करना है। सुरेश खन्ना के पास लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री है। छात्र जीवन के वक्त से ही उनका रुझान राजनीति में था। कई साल वकालत कर चुके सुरेश खन्ना की भगवान हनुमान में अटूट आस्था है। अपना पूरा जीवन राजनीति को समर्पित कर चुके सुरेश खन्ना ने शादी नहीं की है। वो भाई के परिवार के साथ ही रहते हैं।